हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एवं मेरे चैनल पर आपका यार बहुत बहुत स्वागत है। सो भाई, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी बताने जा रहा हूँ जिसकी बहुत बच्चों को इंतज़ार होती है उस डिपार्टमेंट में नौकरी लगने के लिए, क्योंकि वो अपने आप में खास इतना है डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, ये जो वैकेंसी है लिख ली है भाई केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की है। टीचिंग में भी आपका PGT भी है, TGT भी है और PRT भी है। ठीक है भाई, इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। मैं भी ऑफिशियल साइट पे ही हूँ। सो मैं आपको बताऊँगा कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब तक है, एंड क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है अब की बार, एंड भाई क्या एज लिमिट है। ठीक है ना, क्योंकि यार फुल क्राइटेरिया चेंज कर दिया KE वालों ने, इतने सालों से वैकेंसी नहीं आती तो अब की बार जो क्राइटेरिया फुल चेंज कर दिया। ठीक है, क्या एज में छूट दी गई है, सब चीज़ बताऊँगा मैं आपको। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई सबसे पहले लाल कलर का बटन दबाना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे उन जितनी भी मैं अपडेट्स देता रहूँ KV के बारे में, किसी और जितनी वैकेंसी निकल रही, क्योंकि नवोदय में वैकेंसी निकलती है या और भी अन्य जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी होगी, उससे आपको पता चलता रहेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है ना, लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबा देना, और साथ में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको एकदम मिल जाए। ठीक है भाई, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं। सो भाई, ये केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकली है 2022 के लिए। ठीक है, इसके फॉर्म स्टार्ट अभी होंगे, अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसके KV के खुद की जो ऑफिशियल साइट है उस पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ठीक है ना भाई, और भाई मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं, तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। तो भाई, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, तो भाई टोटल वैकेंसी कितनी है, 6000 वैकेंसी है टोटल अप्रॉक्स। टीचर कौन सी, PGT, TGT, PRT, प्रिंसिपल की पोस्ट, वाइस प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन की पोस्ट है, मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट जिसे कहते हैं। ग्रुप ए और बी की पोस्ट, रजिस्टर कैसे, ऑनलाइन होगा। जॉब आपकी पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो भाई पूरे इंडिया में कहीं भी लग सकती है, जोन से आप सर्कल भरोगे। अब कैसे होगा, सबसे पहले भाई एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम के बाद अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो उसकी कट ऑफ, तो एक इंटरव्यू होगा। ठीक है भाई, उस इंटरव्यू के भी अब की बार मार्क्स चेंज कर दिया, पहले वो 15 मार्क्स का होता था, अब वो 25 मार्क्स कर दिया। ठीक है भाई, अब भाई प्रिंसिपल की कितनी पोस्ट है, 76 प्रिंसिपल की है टोटल, इसमें कैटेगरी वाइज बांट लिया, अदर की, SC ST और OBC की। ऐसी वाइस प्रिंसिपल 220 है, PGT की 592 है, और भाई TGT की 1900 है, लाइब्रेरियन की 50, PRT की 5300 और PRT म्यूजिक की 201। तो कुल मिला के 8,839 वैकेंसीज हैं। ठीक है भाई, और ये इसमें जनरल OBC SC ST में बांट ली। अब भाई एज लिमिट क्या है, एज लिमिट जो भाई मैक्सिमम PGT के 40 ईयर है, TGT की मैक्सिमम 35 और प्राइमरी टीचर्स की 30, प्रिंसिपल्स की वही 35 से 50 और वाइस प्रिंसिपल की 35 से 45। एक बात और, इसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने एक्सपीरियंस भी मांगा है, प्रिंसिपल मिनिमम 5 ईयर्स का और वाइस प्रिंसिपल मिनिमम 3 साल का। ठीक है भाई, तो एक्सपीरियंस वाला बनना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और भाई, इसमें वही बात है, सेंट्रल की वैकेंसी है तो भाई OBC ST को एज रिलैक्सेशन भी है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। ठीक है भाई, KVS के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कोई एज बार नहीं है। पर्सन जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में रहता है उसके लिए 5 साल का कोटा है। वुमेन के लिए सभी कैटेगरीज में 10 साल के लिए कोटा है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हो। ये भाई इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो प्रिंसिपल्स के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, BEd चाहिए, ऐसी भी वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री, BEd चाहिए। ठीक है, PGT के लिए 2 साल के लिए आपको MSc चाहिए, BEd चाहिए। ठीक है, TGT के लिए भी यही सब कुछ चाहिए और CTT पास होना चाहिए, जैसे प्राइमरी टीचर्स के लिए CTT पास होना चाहिए। PRT म्यूजिक के लिए भाई आपके लिए ये 10+2 पास, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है भाई, लाइब्रेरियन में वही 1 साल का लाइब्रेरी का डिप्लोमा होता है, अगर आपने वो कर लिया तो सफिशियंट है, वो लग जाएगा, वर्किंग नॉलेज इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी पे स्केल की बात करूँ, पे स्केल भाई देख, प्रिंसिपल का पे स्केल होता है लेवल 12 का,
तो भाई प्रिंसिपल की सैलरी तो भाई 1,20,000 के आसपास होती है, वाइस प्रिंसिपल की 1,00,000 के आसपास, पीजीटी टीचर्स की भी भाई 80,000 के आसपास होती है। फिर बात कर दो टीजीटी, पीजीटी टीचर्स होते हैं 11th 12th को पढ़ाते हैं, टीजीटी मतलब जो 10th तक के पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाह करीब करीब भाई 60-70,000 होती है। और अब आए 5th तक के प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनकी सैलरी होती है करीब करीब 50,000 के, ठीक है भाई। और तो उसमें से हाँ एक बात हो रहा है, इसमें जो फॉर्म फीस है वो 1,500 रुपये है जनरल के लिए, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और पी टी जी टी प्राइमरी टीचर्स पोस्ट के लिए 1,000 रुपये, ठीक है भाई। और एस सी एस टी के लिए बिल्कुल 0 है, फ्री, ठीक है। सो भाई मुझे बस इतना ही आपको बताना था, और कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई दे दे करूँगा, ठीक है। एंड भाई काफ़ी अच्छी जॉब है केवी में जॉब करना, काफ़ी अच्छी भाई, अच्छा डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल से, तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूम सकते हो। और बस भाई इतना ही कहूँगा, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाल कलर का बटन दबा के, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना था कि भाई और भी बच्चों को पता चले। एक बात हो रही है, हाँ एक बात रहेगी, ये फॉर्म डेट कब से है, फॉर्म डेट जो है भाई, फॉर्म डेट आपका जनवरी के 1st वीक से स्टार्ट होगा और फरवरी तक चलेगा, ठीक है भाई। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो जनवरी के 1st वीक से लेकर फरवरी के 1st वीक तक इसके फॉर्म चलेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे फॉर्म आएंगे, जब भी भर लेना, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके।